गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज तारीख है 9, दिन है आज रविवार। तो बस सुबह का मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 7 मंथ प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए, सुबह का मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए, मेरा रूटीन कैसा है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगा मेरी वीडियो से। तो देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी समथिंग 6:30 बजे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी पी रही हूँ, जैसे कि शरीर के लिए बहुत फ़ायदा करता है, पीना ही चाहिए 1 से 2 गिलास पानी। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने से क्या होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और राहत भी मिलती है। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको व्यायाम बताती हूँ, जैसे कि आपको शायद अच्छा लगे। तो पहले हाथों को हथेलियों के इस तरह से मसलना है, अपने हाथ चेहरे पर आँखों पर लगाना है, थोड़ा सा रिलैक्स होके एकदम बैठना है। आपको ढीले ढाले कपड़े पहन लेने हैं। ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होती है हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो ये एक्सरसाइज करनी होती है, आप लोग डेली करिए। या आपका 7 मंथ हो, या आपका 8 मंथ हो, या 9 मंथ हो, तो आपको डेली ही एक्सरसाइज 1 से 2 करनी चाहिए। जो मैं करूँगी वो आप देखिएगा। तो एक एक्सरसाइज ये होती है कि ये करना है आपको डेली ही, 10 से 15 मिनट करनी चाहिए ये वाली। और इसके बाद करते हैं हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, जो नाक द्वारा की जाती है। उससे क्या होता है, बेबी को बहुत अच्छा फील होता है, बेबी मूवमेंट करने भी लगता है अच्छी तरीके से। ऐसा होता है हमारे बेबी को ना, कुछ अच्छी एक्टिविटी अगर इस तरीके से करते ना, तो काफ़ी फील इस टाइम पर अपना हमारा बेबी जो होता है वो महसूस करता है। तो उसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें करनी ही चाहिए हम महिलाओं को। तो देखिए, मैंने एक नाक से उसे ऐसे वायु बाहर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, इस तरीके से किया हुआ था। फिर ये दोनों मतलब बिल्कुल मुद्रा ध्यान में बैठना है, इस तरीके से सांस ऊपर खींचनी है, फिर बाहर निकालनी है। ये भी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी होती है। तो देखिए, ये मैं करती हूँ, तो आप डेली ही कीजिए, आपको समय मिलता है, आप जल्दी जगिए, थोड़ा सा 5:30 बजे जगिए और एक्सरसाइज कीजिए। मैं आपको थोड़ा वीडियो में बता रही हूँ जिस तरीके से ये आपको करना है। तो फिर से आप 10 से 20 मिनट के लिए रिलैक्स होकर बैठिए। एक्सरसाइज करने के बाद अपने हथेलियों को हाथों से इस तरीके से मल के अपने चेहरे पे लगाइए। काफ़ी अच्छी तरीके से रिलैक्स होकर बैठना पड़ता है एक्सरसाइज में। तो बस उसके बाद आता है नाश्ते की बारी, जो हमें क्या खाना है। तो मैंने पूजा पाठ कर लिया है सूर्यनारायण भगवान को। मैं अपने साथ साथ मैं अपने घर का भी ध्यान रखती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक मॉम भी हूँ, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ ऑलरेडी हैं, मेरी 2 बेटियाँ पहले से ही हैं, और मैं तीसरा बेबी कंसीव किया हुआ है, मैंने तीसरी प्रेगनेंसी है। तो मॉर्निंग रूटीन में मैं यहाँ पे जो रात को ड्राई फ्रूट हम गिला के रखते हैं ना, भिगो के, वो आप खा सकते हैं। आपके यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट हो, जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश आप खा सकते हो। किशमिश काफ़ी फ़ायदे करती हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं ये। तो वैसे यहाँ पे देखिए, किशमिश को मैं रात को भिगो के रख देती हूँ, तो किशमिश को मैंने खाया है। तो इसके बाद देखिए, नाश्ते की बारी आती है, दूसरा नाश्ता है मेरा। कम से कम आध घंटे बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया है, थोड़ा सा कम है, और 2 टोस्ट। जो मेरा मन करता है मैं वही खाती हूँ सुबह के टाइम पर। आपका मन करे वही खाइए, लेकिन थोड़ा ऐसे खाइए कि जैसे थोड़ा रेस्ट दे दे के खाइए। तो घर के काम भी होते हैं हमारे, जो काम भी होते हैं मैं उन्हें भी साथ के साथ करती जाती हूँ। जैसे कि अभी हम मेरा कमरा ना फैला हुआ पड़ा था सारा, तो इसको भी सेट करती हूँ। क्या होता है, हम हाउस वाइफ होते हैं ना, चाहे भले प्रेग्नेंट हो या कुछ भी हो, चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, लेकिन घर हम महिला को ही सेट करना पड़ता है, घर को हमें ही देखना पड़ता है। तो अभी बच्चों को मैंने, बेटियों को जगा दिया, उनको चाय नाश्ता भी करा दिया है। तो बस यहाँ पे देखा तो कमरे की हालत ख़राब हो रखी थी, मुझे बेड शीट भी चेंज करनी थी आज। तो फिर मैं लग गई अपने कामों में। खाना मैंने बना के रख दिया है, आज मैंने खाने में राजमा की सब्जी और रोटियाँ बनाई थी। हस्बैंड भी मेरे जा चुके हैं, उनके लिए मुझे पैक करना होता है खाना, तो उनके लिए भी पैक करके दे दिया था। इतना काम करने के बाद फिर मैं ना अपने कामों में लगती हूँ, जो छोटे मोटे काम होते हैं घर के, इसके बिना तो अधूरे ही होते हैं। तो बस यहाँ पे जो ये चादर, ये ऐसा होता है अभी इस टाइम पे, थोड़ा सुबह के टाइम पे ठंडा सा मौसम हो जाता है, जब कूलर पानी वाला चलता है ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा ठंडी लगती है बच्चों को। तो फिर मैं थोड़ा सा ये चादर उड़ा देती हूँ। तो बस यही चादर इनको यहाँ पे घड़ी करके रख दे रही हूँ। जो भी प्रेगनेंट महिला मेरा ये वाला वीडियो देखे, वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कैसा है मेरा मॉर्निंग रूटीन।
अगर आप कमेंट करेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा वीडियो किसी ने देखा हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर को तो सपोर्ट करती हो, लेकिन हम जैसे छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। तो देखिए ये जो पुरानी वाली चादर थी वो मैं हटा देती हूँ अपने, और थोड़ी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए हमें ऐसी हालत में। तो इस टाइम पे साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। तो बस यहाँ पे ऐसा होता है, मैं दो दिन बाद अपनी बेडशीट बदल देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे छोटे छोटे अभी बच्चे हैं। एक मेरी बेटी 6 साल की है, एक है 4 साल की। तो उस वजह से मुझे चादर को 2 दिन में बदलना पड़ता है, और मैं हमेशा ही 2 दिन में बदल देती हूँ। और थोड़ा सा इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा बेबी होता है ना, हल्का मूवमेंट करने लगता है। जैसे बेबी गर्ल होती है वो थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट करती है, बेबी बॉय होता है वो थोड़ा सा कम करता है। ये भी जानने वाली बात होती है हम महिलाओं के लिए कि हमारा बेबी मूवमेंट कैसे करता है, ज़्यादा करता है या कम करता है। तो मैं बता दूँ, अपने बताती हूँ मैं, मेरा बेबी ना ज़्यादा करता है ना कम करता है, ठीक करता है। जैसे कम ही करता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है। तो बस इस टाइम पे 7 मंथ में थोड़ा इस तरीके से करते हैं बेबी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी अच्छी तरीके से, कमरे को भी यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। इसके बाद आती है खाने की। तो मैं खाने में क्या क्या खाती हूँ, महिला को चाहे कुछ भी हो एक टाइम खाना ज़रूर खाना चाहिए, 10 से 11 बजे के बीच में खाना खा लेना चाहिए, चाहे कोई भी कितनी भी परेशानी हो। यहाँ पर 1 कटोरी दाल ली है, 1 कटोरी दही लेना है आपको। कुछ फल ले सकते हो आप, जैसे आम आप खाने के साथ भी इसको खा सकते हो। तो 2 रोटियां ली हैं, राजमा की सब्ज़ी ली है। यह है मेरा खाना, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।